जिला अस्पताल फिरोजाबाद में मनाया गया विश्व गुर्दा दिवस। डायलिसिस नोडल अधिकारी व अन्य डॉक्टर्स रहे मौजूद। मरीजों ने भी दिया सभी को स्टाफ को धन्यवाद। फिरोजाबाद जिला अस्पताल फिरोजाबाद में विश्व गुर्दा दिवस मनाया गया, जिसमें डायलिसिस नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार व अन्य डॉक्टर मौजूद रहे। जिला अस्पताल फिरोजाबाद में डायलिसिस यूनिट मरीजों को मुफ्त सेवा दे रहा है। जिला अस्पताल फिरोजाबाद में डीसीडीसी किडनी हेल्थ केयर की 10 मशीनें डायलिसिस यूनिट में हैं, जिससे हर दिन 28 से 30 डायलिसिस निशुल्क होती है, जिसमें से 2 मशीन कोविड 19 अस्पताल में आइसोलेशन में लगी हैं। डायलिसिस यूनिट में काम करने वाले कर्मी बड़ी ही संजीदगी से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। जिला अस्पताल में मरीज की डायलिसिस 4 घंटे दी जाती है। हमारे यहाँ मरीज असंतुष्ट है कि डायलिसिस की सुविधा बहुत अच्छी है। मरीजों ने सभी स्टाफ का आभार व्यक्त किया। डीसीडीसी संस्था द्वारा संचालित डायलिसिस यूनिट के मैनेजर प्रवेश तोमर ने बताया कि यूनिट में डायलिसिस डॉक्टर आमिर खान व सीनियर टेक्नीशियन इस्लाम रजा व रजत माथुर, जूनियर टेक्नीशियन आकाश पाल, प्रियंका राम, पारुल अथवा शिवांगी आदि स्टाफ काम करने में निपुण है। मैं प्रवेश तोमर यहाँ पे सेंटर मैनेजर हूँ डीसीडीसी किडनी केयर में। किस तरह का आज यहाँ पे? आज 11 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे था, यहाँ पे हमने एक केक काटा है और आलोक सर हैं, ये मनोज सर हैं, ये आए हुए हैं, नोडल ऑफिसर हैं हमारे, और यहाँ पे हम जो डायलिसिस की सेवा दे रहे हैं और सबको बता रहे हैं।